नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक में गुरुजी में। जी हाँ फ्रेंड्स, यूपी पुलिस 2018 भर्ती के बारे में बात करने आ चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर DV एंड PET का एडमिट कार्ड आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसका भी नाम यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुआ है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए या फिर दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन सबका यहाँ पे एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, किसका सेंटर कहाँ पे है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। जिसका सेंटर जहाँ पर भी है प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके पहले वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझ लीजिए कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। यहाँ पे टोटली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ और जो फिजिकल का क्या प्रोसेस होने वाला है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पे नए हैं, आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ का, UPPRPB का। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे टॉप पे सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा सूचना विज्ञप्ति, जो कि आज ही अपडेट हुई है 25/11/2019 को, आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी PSC के पदों पर सीधी भर्ती। जी फ्रेंड्स, अक्टूबर 2018 की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अभिलेखों का समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण का आयोजन। और दोस्तों इसके अलावा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हेतु लिंक पर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको लिंक पे क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप लिंक पे जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको लॉग इन पेज पर करता हूँ, कैसे आपको लॉग इन करना है वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आपका दोस्तों लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर सिंपली आपको यूज़र आईडी इंटर करना होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगा, उसका फॉर्मेट होगा DDMMYYYY, यानी आपको डेट डालना होगा, फिर मंथ, फिर ईयर। और दोस्तों यूज़र आईडी में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका तुरंत ये पूरा आपका जो एप्लीकेंट का कैंडिडेट का है वो लॉगिन हो जाएगा और वहाँ पे आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली वहाँ से आप डाउनलोड एडमिट कार्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या ये एडमिट कार्ड सभी का आ चुका है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी छात्र यहाँ पर परेशान हो गए होंगे कि उनका एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम जो ऑफिशियल विज्ञप्ति आई हुई, जो ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है PRPB से, UPPRPB से, उसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये नोटिस देखिए आपका है दिनांक 25/11/2019, आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी PSC के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शारीरिक मानक परीक्षण यानी PET के लिए इसका आयोजन किया गया है। तो DV और PST के लिए दोस्तों आपका देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है आरक्षी नागरिक पुलिस के 31,360 आरक्षी एंड PSC के 18,208 पदों पर भरे जाने के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रकाशित की गई सूचना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका 5 यहाँ पे DV का दिवस बनाया गया है। अभिलेखों की आपका दोस्तों पता है यहाँ पे 2.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया है आपके DV और PST के लिए। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दिनांक 28/11/2019 से कराया जाना है आपका। दोस्तों ये आपका मानक जो परीक्षण है वो 28 नवंबर से शुरू हो रहा है और इसके लिए प्रथम चरण दोस्तों यहाँ पे चरण बनाए गए हैं, जिसमें आपका D01, D02, D3, D4, D5 बनाया गया है। D1, D2 का डेट जो है पे लिखा हुआ है 28, 29, 30, फिर 2 को, फिर 3 को, यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार दोस्तों को गैप रहेगा, फिर सोमवार और मंगलवार को आपका ये होगा। यानी 5 दिवस आपके बनाए गए हैं प्रथम चरण में। इन 5 दिनों में आपके जो है कौन कौन से दोस्तों कैंडिडेट हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप DV डेट अपना डेट देख लिए होंगे और दोस्तों मेडिकल की डेट आपने देख लिया होगा, क्योंकि जो आपका लिस्ट अपडेट हुआ था उसमें आपके डेट लिखे हुए थे। तो फिर अपने डेट के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका इस तिथि में हो वो दोस्तों आपके 1, 2, 3, 4, 5 आपका जो DV का दिवस है उसमें आ सकते हैं अपने जो आपका फिजिकल होने वाला है और DV होने वाला है, DV और PST दोनों के लिए यहाँ पे इस 5 दिन के लिए जो आपको बैच बनाया गया है इसमें आपको कॉल किया जा सकता है। तो जिस कैंडिडेट का दोस्तों इस 5 दिनों के अंदर पड़ा हुआ है DV एंड PST, केवल उनका एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी किया गया है। इसके बाद जब नया दोस्तों बैच बनाया जाएगा, नया आपका फिर से अगला जारी किया जाएगा, तो उनका फिर बाद में अपडेट किया जाएगा एडमिट कार्ड। लेकिन दोस्तों जो लॉगिन का जो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको लॉगिन करना है और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा आपका अपडेट था जो भी UPPRPB के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका था। इसके अलावा दोस्तों कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।
मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।